हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आगे में कॉन्यूड के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में फिर से पुशिंग करने जा रहा हूँ सोलो में। ये सीजन 38 का एपिसोड नंबर 4 होने वाला है। पूरे एक मंथ से मेरी आईडी ऑफ पड़ी है, मैंने बिल्कुल पुश नहीं किया है। पहले मैं ग्रैंड मास्टर पे था लेकिन अभी नीचे गिर चुका हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इस पूरा सीजन अकेला ही पुश करने वाला हूँ। और फिलहाल के लिए तो मैं आपको पहले करेक्टर बता देता हूँ, मेरा के करेक्टर लुकेटा मोको प्लस एंटोनियो अभी मैं लेकर खेलूंगा इस करेक्टर स्किल के साथ। और पेट में मेरे भाई हुट लगा हुआ है, जिससे हमारा मोको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रहेगी भाई मार्क। और लोड आउट में हमारी बॉनफायर है, ठीक है। अभी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कितने हम एक मंथ से खेले नहीं है। जब मैंने क्विट करी थी फ्री फायर, तब भाई मैं ग्रैंड मास्टर पे था, लेकिन वहीं पे अटका हूँ अभी। वही पॉइंट सेम टू सेम 7400 अभी में हमारे पॉइंट हैं टोटल, और 15600 पे ग्रैंड मास्टर है। मतलब लगभग सी अगर हम काउंट करके चले 8000 पॉइंट हमसे आगे है। अब हम पुश भी करेंगे तो भाई पॉइंट भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमको 11 दिन में डेली 1K से ज़्यादा पॉइंट प्लस करने पड़ेंगे। अगर हो पाया तो देख लेंगे, सीजन के एंड होने से पहले पहले हमको ग्रैंड मास्टर पकड़नी है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो बढ़ते हम आज के हमारे पहले मैच की ओर। तो यह रहा हमारा आज का पहला मैच, जिसमें भाई टोटल मेरे 6 किल थे और मेरे बिना टोटल 4 बंदे बच रहे थे, नहीं सॉरी 3, मेरे को मिला के 4 बच रहे थे। अब मैंने एक बंदे को मारने की फुल ट्राई की, मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी जितने क्लियर कर सकता हूँ मैं उतने करूँ, लेकिन भाई उसको थोड़ा सा हेड वगैरह ही लगा था, तो मैंने अपने करेक्टर स्किल जो सेकंड वाली थी वो ऑन की, सीधा कर दिया इस पे रश। इस बंदे को ख़त्म करने के बाद एक ही बंदा बचा था, मेरे को लगा वो भी घर में है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसने फायर किया तो मेरे को उसकी लोकेशन पता चल गई और मैंने बस उसको आराम से मारा। वो बंदा बस बेचारा बन टैप मारने की ट्राई कर रहा था मेरे, लेकिन मैंने बन टैप खाया ही नहीं। इस बंदे को ख़त्म करने के बाद अभी मेरे को 51 प्लस मिल गए थे 8 किल के साथ। अभी मैं आपको एक और अपडेट दिखाता हूँ जो मेरे को मस्त लगी थी, ठीक है। अब आप ना लॉबी में क्या कर सकते हो, किसी भी बंदे पे जाके इन्फो टच कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक बटन आएगा वो टच कर सकते हो, उसके बाद आप उसका नाम वगैरह रीड कर सकते हो। भाई मेरे को ये बहुत मस्त चीज़ लगी, और ऊपर से आप उसको रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। ये भाई मेरे को सही में बहुत अच्छी अपडेट लगी। और दूसरा भाई, थोड़े से इन्होंने ग्राफिक इंक्रीज़ कर दिए मेरे हिसाब से, तो रियल लग रहे हैं पहले से, मेरे को लग रहे हैं थोड़े थोड़े, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब बात करते आगे के मैच के बारे में। अब भाई इसमें मेरे टोटल 4 किल थे, मेरे सामने एक स्नाइपर टावर पर बंदा था जो भाई मेरे को जोन में बढ़ने ही नहीं दे रहा था। तो मैंने धीरे धीरे करके भाई अपनी सारी ग्लूबल वेस्ट करके धीरे धीरे करके मैं आगे आ चुका था जोन में, लेकिन अभी दिक्कत बढ़ चुकी थी उसके लिए, क्योंकि भाई अब मेरे पास स्नाइपर थी M2 भी। बस फिर उसके बाद क्या था, मैं लग गया इसकी ग्लूबल तोड़ने और उसको भी ही तोड़ने उसके साथ साथ। और उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद देख लीजिए। अब इन दोनों बंदों को ख़त्म करने के बाद मेरे को टोटल भाई 31 प्लस मिले थे 6 किल के साथ। अब बढ़ते हम नेक्स्ट मैच की ओर। अब भाई अगर आप ना लगातार 2 मैच में वो जैसे मॉन्स्टर होते हैं, 3 मॉन्स्टर होते हैं आपको मैप में मिलते हैं पर मुड्डा में, उनको मार देते हो ना, तो आपको तीसरे मैच में आपको क्या मिलेगा, एक मेका ड्रेक ट्रायल मिलेगा, एक मॉन्स्टर मिलेगा। आप अगर उसको मार दोगे ना तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट प्लस मिलेंगे, इसलिए भाई थोड़ा सा आसानी है हमको प्लस करने में। तो भाई यही चीज़ बस मैं बोल रहा था, तो जितना हो सके मैं उतना पुश करने की ट्राई करूँगा इस वाले एपिसोड और सीजन में, ठीक है। तो अभी इस वाले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें टोटल मेरे 6 किल थे, मेरे बिना टोटल 3 बंदे बच रहे थे। 2 की लोकेशन तो मेरे को ऑलरेडी पता थी, लेकिन जो एक बंदा था मैं उसको ही ढूंढ रहा था, तभी उस बंदे ने मेरे पे फायर कर दिया और मैंने भाई चिपका के हेड मारा बंदे को और खत्म कर डाला, ठीक है। और जो लास्ट का बचा था उसके साथ मैंने फिर फाइट शुरू कर दी। कौन विन किया वो आप खुद देख लीजिए। Bigger meaning that's under the surface. Take down the free.
अच्छे से मौका संभाल लिया मैंने। अगर ये जोन में आ जाता तो शायद मेरे को दिक्कत करता, क्योंकि इसके पास भाई क्या बोलते हैं वो नायरी करेक्टर है जिसकी ग्लूवाल टूटती ही नहीं है, तो इस वजह से मेरे को इसको मारने में दिक्कत आने वाली थी। लेकिन मैंने पहले ही इसको जोन में ही नहीं आने दिया और इसको कर दिया मैंने खत्म। अब इस वाले मैच में मैंने जस्ट अभी अभी एक बंदे को खत्म किया था, दो बच्चे थे, तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और भाई देखते हैं उसके बाद भाई इनको मार पाएंगे या नहीं। लेकिन ये दोनों जोन के बाहर लड़ रहे थे, इस वजह से एक बंदा एक मर गया, दूसरा भाई एलिमिनेट हो गया। तो मेरे को भाई ऐसी फ्री में बुया मिल गया, जो चीज मेरे को पता नहीं थी। अभी पहली बार देख रहा था मैं अपडेट, ये वो मेका ड्रेक ट्रायल करके कुछ है, मेरे को इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं आती। तो मेरे को इन्होंने क्या किया, मैच खत्म होने के बाद एक ऐसे मॉन्स्टर को मारने भेज दिया जिसको मैं मारने में बिल्कुल सफल रहा। यार इससे मरूंगा तो क्या ही मतलब बॉट गिरी होगी फिर तो। इसको मारना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसके हर एक हिट सहोगे फिर मर जाओगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा भागते रहो, फायर करते रहो, मारते रहो, बस फायर करते रहो, यही चीज़ है, भागते रहो फायर करते रहो। उसके बाद ये मर जाएगा और आपको 20 पॉइंट प्लस मिलेंगे बस 5 मिनट के अंदर, 2.5 मिनट के अंदर अंदर आपको 20 एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ बढ़िया है यार, तो हमको 20 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते जाएंगे ऐसे ऐसे करके ना। एक मैच में अगर 51 प्लस मिलता रहेगा तो भाई बहुत मस्त हो जाएगा काम, हमारी पुशिंग ईजी हो जाएगी। तो मैंने इसको किया ख़त्म जल्दी से जल्दी, उसके बाद मेरे को मिल गए थोड़े से और पॉइंट प्लस। तो आपको मैं ये पार्ट कट करके ही दिखा देता हूँ सीधा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। पहले तो इसके दो मुंह थे, लेकिन उसके बाद एक हो गया और मैंने एक भी तोड़ डाला मतलब मैंने दोनों के दोनों मुंह तोड़ने के बाद इसका एक मुंह भी तोड़ डाला और मेरे को मिल गया दोबारा डबल विक्ट्री। अब भाई इसको मारने के मेरे को 20 पॉइंट मिल रहे हैं 2.5 मिनट के अंदर, भाई ये तो वरदान से कम नहीं है। तो बस मैं यही करने वाला हूँ, उतरूंगा हर बार जो बरमूडा मैप में मॉन्स्टर होते हैं वो दो मैच में मारने होंगे मेरे को, दो मैच में मारने के बाद तीसरे मैच में मेरे को ये मिलेगा और इसको मारने के बाद मेरे को सीधा 20 पॉइंट एक्स्ट्रा प्लस मिलते जाएंगे, मतलब मेरे को एक मैच एक्स्ट्रा ऐड होता रहेगा। तो भाई ये मेरे को मस्त चीज़ लगी अभी सोलो में पुश करने में। तो बाकी भाई बढ़ते हम नेक्स्ट मैच की ओर। अब उसके बाद मैंने एक और मैच स्टार्ट किया जिसमें मेरे 6 किल ऑलरेडी हो गए थे, एक बंदा मेरे सामने बच रहा था जिसके साथ मेरी अच्छी खासी फाइट चल रही थी। अब जो एयर बेंडिंग मशीन से भाई मेरे को एक तत्सुया करेक्टर की एबिलिटी मिली थी, बहुत अच्छे से काम आई मेरे को इस वाले मैच में। 7 किल के साथ बुया लेकर मैं आगे निकल गया। उसके बाद अगले मैच में मेरे को फिर से भाई सेम टू सेम भाई मैका ड्रेक ट्रायर मिलने वाला था एक बंदे को मारने के बाद, तो मैंने उसको ख़त्म किया पहले तो। अब मैंने इस बंदे को ख़त्म किया तो भाई मैं फिर सेम टू सेम वही जगह पे चला गया जो भाई वो मॉन्स्टर को हमको मारना होता है। पहले तो उसके दो मतलब सर 3 बार तोड़ने होते हैं शायद, उसके बाद उसका एक सर हो जाता है, उसको तोड़ना होता है, आराम से तोड़ के आगे बढ़ो बस, फिर भाई आराम से आपको 20 पॉइंट प्लस और मिल जाएंगे। तो मैंने फिर सेम टू सेम वही काम किया और मेरे को देखो फिर से सेम टू सेम 20 पॉइंट एक्स्ट्रा प्लस मिल गए और मैं लेके आगे बढ़ गया। अब भाई मेरी इस वाले मैच के बाद इलाइट मास्टर लग चुकी थी, इसको ग्रैंड मास्टर में भी कन्वर्ट करेंगे। अब देखो इन्होंने ग्रैंड मास्टर का लोगो भी चेंज कर दिया है, ना मेरे को ये वो घटिया लगा ना मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। अगर पहले वाला भी रहेगा तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अच्छा लगा अभी वाला भी, लेकिन पहले वाले की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा है इन्होंने जो अभी लोगो दिया ना ग्रैंड मास्टर का वो भी अच्छा है। चलो गाइस यही था आज का हमारा पार्ट एपिसोड नंबर 4। अब आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आप वीडियो के इस वाले पार्ट तक आ चुके हो तो थैंक यू, दिल से शुक्रिया भाई, और आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। आपको नीचे वीडियो के लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा, ठीक है, ताकि मेरे को इससे बहुत अच्छी सपोर्ट होगी और मेरा चैनल भी ग्रोथ करेगा, तो मैं और वीडियो डालूंगा यार। और हाँ, अगर कोई और वीडियो देखना चाहते हो फ्री फायर के बिना, तो आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हो आप। माइनक्राफ्ट, क्लैश ऑफ क्लैन कोई भी वीडियो देख सकते हो उसमें आप, मैं दूसरे चैनल पे और वीडियो डालता हूँ, तो प्लीज़ वो भी चेकआउट करना। और हाँ, अगर ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको नीचे सुपर थैंक्स का भी बटन मिल रहा होगा, 20, 40, 30 जो भी आपको भाई बन पाए वो कर सकते हो आप मेरे को सेंड, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और आपका मैसेज भी वैसे कमेंट भी ऊपर शो होगा अगर आप सुपर थैंक्स कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो आप मेरे दोनों चैनल चेकआउट करते रहना और वीडियोस वगैरह देखते रहो, तो मेरे को उससे भी फायदा है, बस लाइक सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है गाइस। आशा करता हूं आज की जे वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई भी ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते हुए जरूर जाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को अच्छा कर पाऊं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।